हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपना 75 आवर चैलेंज का 37वां दिन। तो आपको पता है कि रात को काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो जिस वजह से आज सुबह लेट उठे। काफ़ी ज़्यादा लेट क्या उठे यार, बॉडी को मतलब फुल रिलैक्स मिल नहीं पा रहा काफ़ी दिन से। रीज़न क्या हो रहा है कि अपना वर्कआउट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको पता ही है, व्लॉग एडिट करने में भी लेट रहा, तो फिर सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट भी करनी होती है, और फिर दो टाइम की वर्कआउट, और एक बंदा जो पहली बार स्टार्ट कर रहा है वर्कआउट करनी, तो उसके लिए तो भाई देखो मुश्किल है। बट क्या है कि अब अपनी बॉडी को ना एक हैबिट सी होगी एक्सरसाइज की, ना एक्सरसाइज करूँ ना मैं अच्छे से, तो मेरे को भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मेरा मेन फोकस ये रहता है कि अच्छे से वर्कआउट करूँ, पसीना निकाल लूँ बॉडी में से, और मतलब मज़े से वर्कआउट करूँ, मतलब एकदम बॉडी को रिजल्ट आए, मतलब ख़तरनाक वाले। तो वो चीज़ हो रही थी, बट पता नहीं कल कैसे एकदम से मेरी तबीयत ख़राब होगी, तो मैं गोली लेके दोपहर को तो सो गया, तो शाम को उठा फिर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, तो रात को दवाई में लेके आया, फिर जाके थोड़ा अब मेरे को बॉडी थोड़ी रिलैक्स है और तबीयत भी ठीक है, बट काफ़ी ज़्यादा लेट उठा मैं, जिस वजह से मैं ना फ्रेश होके पानी वानी पी के और नहा के ऊपर छत पर आया हूँ अभी। तो छत पे इसीलिए आया भाई, वर्कआउट तो नहीं करेंगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे शोल्डर में और चेस्ट में पेन है बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ, तो जिस वजह से वर्कआउट नहीं करेंगे, बट आप वॉक करेंगे, वॉक करने के बाद योगा करेंगे, क्योंकि भाई योगा करने से क्या है, योगा आपको पता ही है यार, बॉडी डिटॉक्स होएगी और अपने जो मतलब बुखार है या बॉडी दर्द हो रही है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। तो करते हैं अपना स्टार्ट, एक बार आपको पोजिंग करके दिखा देता हूँ, बॉडी की शोल्डर चेक करो। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. और भाई वर्कआउट ख़त्म करके आ चुके हैं और चलने से भी पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ये अपना ब्रेकफास्ट है, 5 ब्रेड और 1 गिलास दूध, तो ये खाते हैं। तो भाई अपने शाम वाली वर्कआउट का टाइम हो चुका है, और करते हैं अपना पानी वाला टास्क कंप्लीट, और गर्म पानी में 2 चम्मच च्यवनप्राश डाल लिए। और मेरी तबीयत ना भाई काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, इस टाइम भी पेट में दर्द हो रहा है और लेग्स में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, बट अपने को ये है कि टास्क तो कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए भाई वर्कआउट करने तो जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं सुबह से मैंने कोई शूट नहीं करा, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सो गया था, और तब से अब उठाऊं मैं, क्योंकि भाई तबीयत ठीक नहीं है और पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, बट अपने को वाले टास्क कम्प्लीट करने हैं तो एक्सरसाइज भी नहीं छोड़ सकते। कसम से कह रहा हूँ भाई, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही मेरी उठने की और एक्सरसाइज करने की, मैं छोड़ नहीं सकता यार 75 आवर बिल्कुल भी। और मम्मी से नज़र भी जड़वा ली मैंने अभी, लंगोट डाल के 5 बजे एक्सरसाइज करने निकल दूंगा। भाई वर्कआउट करने आ चुके हैं और बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही भाई मेरी वर्कआउट करने की, मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी करने का वर्कआउट। ट्राई करके देखते हैं, अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो अपना मैं क्विट करूँगा फिर चैलेंज को, दोबारा से कर लेंगे, कोई माड़ा थोड़ी है इस बार ने। फोटो फोटो भी नहीं खींच रहे, चलो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, अगर वर्कआउट होती है ठीक है, नहीं तो फिर अपना क्विट करेंगे, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अपने से हो जाए एक्सरसाइज। तू क्विट मत कर चैलेंज को, मैं तेरे को 4-5 एक्सरसाइज बता देता हूँ, वो कर ले तू 10-10 मिनट की। But it's not what it seems, man, it's hard to be seen.
When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. तो भाई वर्कआउट ख़त्म करके घर आ चुके हैं और भगवान जी अपनी परीक्षा ले रहे हैं भाई, तो देखते हैं कि ये वर्कआउट छोड़ेगा या मतलब कंटिन्यू रखेगा। तो भाई अपने कंटिन्यू रखी वर्कआउट, पहले तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी वर्कआउट करने की, फिर पता नहीं एकदम से क्या आया कि बस स्टार्ट आया ना वर्कआउट करना, फिर तो अपने रैप्स लगाते गए एक्सरसाइज के और अभी खाना खाते हैं और पहले पढ़ते हैं रामचरितमानस। जय श्री राम आप सभी को। तो आज हमने रामचरितमानस में यह पढ़ा जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। हे राम आपके दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया, आज मेरा जाप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरा संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। खाना पीना हो चुका है और आज काफ़ी दिन के बाद मैंने अपना लैपटॉप उठाया, 15-20 दिन बाद ही चलाया होगा। तो करते अपने ब्लॉग का ही पेंट। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर गाइज आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। जय श्री राम आप सभी को।